तो गाइस हम आज पहली वीडियो झिलमिल कॉलोनी के अंदर बनाने आए हैं, और ये यहाँ का झिलमिल कॉलोनी का सी ब्लॉक है सामने, उसके जस्ट अपोजिट ही सामने इनकी कार्ट है, और यहाँ पे परमानेंट जूस वाला भी है, और पीछे से ही बिल्कुल ही इनका कार्ट है। आपको जहाँ पे भी आना है यहाँ पे आके आराम से खा सकते हैं, यहाँ पे खड़े होकर खाने की जगह है, बहुत बढ़िया कार्ट है बिल्कुल। और इनका बालाजी चाइनीज़ फूड के नाम से है, इन्होंने आजकल चाइनीज़ तो बहन है तो इसलिए इन्होंने चाइनीज़ पे पर्चा डाल दिया है। बाकी इनके चिली प्लेटो वगैरह हमें बहुत खा के अभी दिखाएंगे आपको कैसे हैं, क्या टेस्ट है, कितने रुपए का, ये सब आपको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। चलो यार भूख लगी है, चलो खाते हैं यार। कितने का? 20 की है। और चिली प्लेटो? चिली प्लेटो 45 की हाफ है, 70 की फुल है। और चाउमिन? चाउमिन 60 की जो फुल है। और आपको सबसे ज़्यादा बिकता क्या है? हमारा तो बिकता सब लगभग सभी सही है, वहाँ की स्प्रिंग रोल स्पेशल होती है, हमारे स्पेशल होता है। चलो आप आए काम करो, एक स्प्रिंग रोल लगा दो, हाफ पोटैटो लगा दो और हाफ चाउमिन लगा दो, ठीक है। रोल भी कट रहा है और बिल्कुल अलग स्टाइल का कट रहा है, बिल्कुल देख लो। और अभी देखना कैसे होगा। ये देखो सलाद भी दे रहे हैं, मसाला, फिर चटनी डाल रहे हैं, म्यूनिस भी दे रहे हैं। और बिल्कुल साफ सफाई से दिया हमें। गार्लिक पेस्ट डाला हूँ, जिंजर गार्लिक पेस्ट है। ओके, ये अनियन कैप्सिकम है, ठीक है। इसकी जो सबसे बड़ी चिली पोटैटो का ये है, हमारा ये हमारा जो है हैंड टू हैंड ग्रेवी बनाता हूँ। हाँ, बना के नहीं रखता हूँ, जो भी हो फ्रेश होता। और बिल्कुल साफ़ सफाई से बना रहे हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं। हाँ जी, खाने पीने के आइटम इसमें साफ सफाई से पहली चीज़ होता जी। हाँ ये भी है। क्या बना रहे हो? जिसमें हम चाउमिन बना रहे हो जी। चाउमिन बन रहा है, आप देख सकते हैं। और ये लोकेशन क्या भैया? ये झिलमिल कॉलोनी मंडे मार के समुदाय भवन, जैसा मैं आपको पहले बताया था वही लोकेशन है बिल्कुल। और आपको अगर अच्छी लोकेशन चाहिए तो हम गूगल मैप पे भी दे देंगे। चाउमिन बनते हुए देख रहे हैं आप, सब कुछ यहाँ पे फ्रेश बनता है, बिल्कुल बिल्कुल साफ सफाई से। हमारे अब कैमरे की बैटरी ख़त्म होने वाली, तो आप फटाफट देख लीजिए जितना हम आपको कैप्चर कर सकते हैं उतना कैप्चर कर रहे हैं। और आपको हम दिखाते हैं इसके अंदर स्टफिंग वगैरह कितनी कितनी है। अब ये मतलब मैदे की कुछ दिख ही नहीं रही, मैदे की रोटी कहाँ पर है। और बाकी मोमोज आप देखें कितना बड़ा पीस है, उतना गर्म है। और इसके अंदर की स्टफिंग आपको तोड़ कर दिखा देते हैं, ये देखिए स्टफिंग है इसका।